दोस्तों कुछ समय बाद भारत और श्रीलंका के बीच में 3 ODI और 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज होने वाला है। मगर दोस्तों इससे पहले भारतीय टीम पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। अभी लाइव मैच के दौरान कैमरे से इस खिलाड़ी का निधन हो चुका है। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच में सबसे पहले T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 3 जनवरी को तो वही दूसरा मुकाबला 5 जनवरी को, जबकि आखिरी और अंतिम मुकाबला 7 जनवरी वाले दिन खेला जाएगा राजकोट के मैदान पर। मगर दोस्तों इससे पहले भारतीय टीम पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इस समय ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है मेलबर्न के मैदान पर। मगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए डेविड वॉर्नर ने अपने 100वें टेस्ट मुकाबले में दोहरा शतक ठोकने के बाद क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के घातक गेंदबाज एनरिक नौरकिया को स्पाइडर कैम ने टक्कर मारी और टक्कर लगने के बाद एनरिक नौरकिया के सिर से खून निकलने लगा, यहाँ तक एनरिक नौरकिया मैदान पर ही गिर पड़े। वो तो दोस्तों भला हो भगवान का कि एनरिक नौरकिया के ज्यादा चोट नहीं आई और इस तरीके से एनरिक नौरकिया मरते मरते बचे, नहीं तो आज एनरिक नौरकिया के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता।